माननीय श्री अमित शाह जी, गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, श्री गजेंद्र सिंह जी, जल शक्ति मंत्री भारत सरकार, सीमा सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक गण, बीजीबी के महानिदेशक एवं प्रतिनिधिगण, राजस्थान पुलिस के अधिकारीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, बहादुर जवानों, सम्मानित एवं विशिष्ट अतिथिगण एवं मीडिया प्रतिनिधियों, बल के 57 स्थापना दिवस के अवसर पर सीमा सुरक्षा बल परिवार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। मैं प्रहरी परिवार की ओर से मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी का विशेष अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। आपके इस प्रयास के लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, सीमा सुरक्षा बल अपने 57वें स्थापना वर्ष में प्रवेश कर रहा है। बल के अमर सीमा प्रहरियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यह बल अपनी सभी संस्थाओं, मुख्यालय और बटालियनों में विशिष्ट समारोह का आयोजन कर बल के स्थापना दिवस को यादगार ढंग से मना रहा है। यह दिन बहुत ही विशेष है, क्योंकि 56 साल के अपने गौरवशाली इतिहास में पहली बार स्थापना दिवस परेड का आयोजन दिल्ली के बाहर राजस्थान के सुंदर ऐतिहासिक एवं गौरवशाली शहर जैसलमेर में किया जा रहा है। 1965 में महज 25 बटालियनों के साथ अपना सफर शुरू करने वाला यह बल चार आपदा प्रबंधन बटालियन के साथ आज 193 बटालियन का एक विशाल जनशक्ति वाला बल के रूप में परिवर्तित हो चुका है। आज सीमा सुरक्षा बल 2,65,000 से भी अधिक पुरुष एवं महिला प्रहरियों के बल पर भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के साथ लगती हुई लगभग 6,400 किलोमीटर से भी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के अलावा 104 किलोमीटर गुजरात राज्य में सर क्रीक के दलदली क्षेत्र का इलाका एवं 85 किलोमीटर तटीय सीमा का रक्षा व प्रबंधन का दायित्व निर्वहन कर रहा है। वास्तव में कई लोगों के लिए सुखद आश्चर्य भी होगा कि जम्मू कश्मीर के 772 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा के 430 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के बहादुर जवान भारतीय थल सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैनात हैं। भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति के रूप में तैनात सीमा सुरक्षा बल देश का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र बल है, जो अपने स्वयं के तोपखाना स्कंद, जल स्कंद और वायु स्कंद से सुसज्जित है। इसके अलावा ऊंट, अश्व, श्वान दल के साथ साथ सुसंगत टियर स्मोक यूनिट, सेंट्रल वर्कशॉप एंड स्टोर्स और सेंट्रल स्कूल फॉर मोटर ट्रांसपोर्ट जैसे संस्थान स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ अन्य बलों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर रहे हैं। बल की बहुप्रचलित श्वान संबंधी संस्था नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स से प्रशिक्षित डॉग्स विविध संक्रियात्मक गतिविधियों में सफलतापूर्वक अपनी भूमिका का संपादन कर रहे हैं। इस संस्था द्वारा वर्तमान में भारतीय नस्ल के श्वान यथा रामपुर हाउंड, मुढ़ोल हाउंड और राजापालयम को भी युद्धक तैनाती के लिए तैयार किया जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल के देश भर में 14 उच्च स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान हैं, जहां बल के प्रहरियों को देश के समक्ष प्रस्तुत चुनौतियों के निवारण हेतु प्रशिक्षित कर उन्हें सामरिक सामर्थ्य व तकनीकी दक्षता प्रदान की जाती है। आधुनिक तकनीक व उपकरणों के माध्यम से हमने अपनी सामरिक क्षमताओं का विस्तार किया है। कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का संचालन इस दिशा में एक दूरगामी कदम है, जिसके अंतर्गत सीमा निगरानी के साथ नवीनतम उपलब्ध तकनीकी व आधुनिकतम उपकरण को शामिल किया गया है। इसमें राडार, घुसपैठ का पता लगाने की प्रणाली, कैमरे सुसज्जित, एरोस्टैट, भूमि और पानी के नीचे सेंसर शामिल है। यह विशेष रूप से उन सीमा अंतरालों में लगाया गया है जहां भौतिक बाड़ लगाना संभव कठिन है। इसके अलावा हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर हैंडहेल्ड थर्मल इमेजर्स, इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस सिस्टम, विभिन्न प्रकार के कैमरे, जैमर्स, डिजिटल रिसीवर्स आदि नवीनतम तकनीकों का समावेश भी किया है। हाल ही में देश के पश्चिम सीमाओं पर देश विरोधी ताकतों द्वारा ड्रोन के माध्यम से की गई गतिविधियों का तकनीक का समाधान ढूंढने की दिशा में भी बल ने ड्रोन रोधक प्रणाली की तैनाती भी शुरू की है।
बल के सजग प्रहरियों ने देश की भारत पाकिस्तान से लगती पश्चिमी सीमाओं को जनवरी 2021 से नवंबर 2021 तक लगभग 540 ग्राम हेरोइन की जब्ती की है। इसी के साथ 81 हथियारों के साथ लगभग 5000 राउंड एम्यूनिशन भी जब्त किया गया है। इसी दौरान बल ने सीमा पार से घुसपैठ का प्रयास करते हुए 154 घुसपैठियों व तस्करों की धरपकड़ करते हुए कई घुसपैठियों को ढेर भी किया है। इस संबंध में मैं जम्मू के सांबा सेक्टर की दो घटनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा, जिसमें सजग सीमा प्रहरियों ने सीमावर्ती इलाके में 150 मीटर लंबी एवं 2 से 3 फुट ऊंची सुरंगों का पता लगाकर बड़ी आतंकी साजिशों को नाकाम किया है। इसी प्रकार बीकानेर, अमृतसर, फिरोजपुर इत्यादि सेक्टरों में घुसपैठियों का प्रयास विफल करते हुए भारी मात्रा में बरामदगियां भी की गई हैं। भारत बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर की सीमा पर घने जंगलों के बीच से निकलती देश की घुमावदार पूर्वोत्तर सीमाएं सीमा प्रहरियों के लिए नित नई चुनौतियां पेश करती हैं। बाढ़ के दौरान उफनती नदियां, दुर्गम भौगोलिक स्थिति, विपरीत सीमावर्ती परिस्थितियों बल के कार्मिकों के साहस की प्रतिदिन प्रशिक्षा लेती हैं। नवीनतम तकनीक यथा LED लाइट्स, इंट्रूडर अलार्म सिस्टम, अत्याधुनिक वाटरक्राफ्ट, विभिन्न प्रकार के कैमरे, नाइट विजन डिवाइसेस इत्यादि बॉर्डर पर लगाए गए हैं। ये प्रहरियों को सीमा चौकसी के सर्वोच्च स्तर पर स्थायी रूप से स्थापित करती हैं। इन चुनौतियों के बीच बल के सजग प्रहरी अपनी कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र रक्षा के प्रति समर्पित जीवन शैली से कर्तव्य निर्वहन के उच्चतम मानकों का लगातार परिचय भी दे रहे हैं। मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि भारत बांग्लादेश के बीच स्थापित मैत्रीपूर्ण संबंधों के परिणाम स्वरूप सीमावर्ती अपराधों और सीमा प्रबंधन में नितांत सुधार हुआ है। दोनों देशों की सीमा पर संयुक्त पेट्रोलिंग, ज्वाइंट ऑपरेशंस और सूचनाओं के आदान प्रदान से अपराधों में काफी गिरावट दर्ज हुई। साथ ही